Please subscribe and turn on notification. सआदत हसन मंटो उर्दू साहित्य का श्रेष्ठ हस्ताक्षर, बहुत ही चर्चित और विवादास्पद, जो धर्म, भाषा और देश से परे मानवता धर्म को आगे बढ़ाने वाला था, जो आक्रोश, दर्द और मानवीय करुणा से परिपूर्ण है। उसकी कहानियों की प्रेरणा हमेशा समाज में घटित सत्य घटनाएं रही और इस सत्य के साथ उसने कभी समझौता नहीं किया। उसकी कहानी के पात्र असली रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो है पेश मंटो की कहानियां। मंटो की लाइसेंस प्रेम की एक अजीब दास्ता है। दोनों एक ही नजर में एक दूसरे के हो जाते हैं, लेकिन समाज और परंपरा उन्हें जीने नहीं देती। नीति की जिद स्वावलंबी और स्वाभिमान के साथ जीने की थी, लेकिन समाज ने इसे नामंजूर कर दिया। आज भी समाज ही तय करता है कि स्त्री को किस दायरे में रहना चाहिए। नीति को तांगा चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता, इसलिए नीति तांगा नहीं चला सकती। फिर जीने के लिए नीति क्या करेगी? कौन सा लाइसेंस उसे मिल सकता है? तो सुनिए लाइसेंस। लाइसेंस, चल तुझे पेशेंट छोड़ा हूं। नहीं, अब तुझे हाथ लगा चुका है। उसकी गर्दन छूट गई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। क्या निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो, ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकलकर? उसका झुका हुआ सिर उठा, उसकी आंखें चमक उठी। भाग भरिए, अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना दाया हाथ बढ़ाया, तो ये ले मेरा हाथ। उसने लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपने जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम रहेगा। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। नाम लड़की का इनायत यानी नीति था, और वो जिला गुजरात की मोचन थी। वो अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। उसके रिश्तेदार स्टेशन पर उसका इंतजार करते ही रह गए, और वो मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। अब्बू और नीति दोनों बहुत खुश थे। ना नीति ने चाहा, ना अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचा, ना नीति के लिए सोने के कड़े बने, लेकिन अब्बू ने अपनी जमा पूंजी से नीति को सोने की बालियां खरीदी और कई रेशमी जोड़े बनवा दिए। नीति के लिए यह कम न था। लश लश करते हुए रेशमी लाचे में जब वो अब्बू के सामने आती, तो अब्बू का दिल नाचने लगता। कसम पंचदन पाक की, दुनिया में तुझसा सुंदर कोई नहीं। वो नीति को अपने सीने के साथ लगा लेता। नीति, तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। दोनों को गाते, हंसते, सैर करते और एक दूसरे की बलाएं लेते हुए एक महीना गुजर ही पाया था कि दफ्तर एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला कि नीति बारीक नहीं थी। नीति के अदालत में साबित कदम रहने के बावजूद अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब नीति ने अदालत का हुक्म सुना, तो अब्बू के साथ लिपट गई। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी, तेरे घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसके पीठ पर थपकी दी। जीती रहे, मैंने तांगा घोड़ा देने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने नीति को उसके हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली अब्बू के घर में रहने लगी। हर शाम दीना उसे 5 रुपए दे जाता, जो उसकी जरूरत के लिए काफी था। इसके अलावा कुछ थोड़े रुपए उसने जमा कर भी रखे थे। हफ्ते में एक बार अब्बू से उसकी मुलाकात जेल में होती। यह मुलाकात बहुत ही मुख्तसर होती। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी, वो उसने अब्बू को जेल में आसाइशें पहुंचाने में सर्फ कर दी थी। एक मुलाकात में अब्बू ने उसके बुच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, तेरी बालियां कहाँ गई नीति? वो संतरी की तरफ देखकर मुस्कुराई, गुम हो गई कहीं, अब्बू ने कतरे गुस्से में कहा। अरे तू मेरा इतना ख्याल न रखा कर, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। गम, जुदाई, जेल, जेल का घटिया खाना, जेल की कड़ी मशक्कत, इतना कुछ तो उसको मालूम था, पर यह मालूम नहीं था
कि टीबी का मर्ज अब्बू को विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कई ज्यादा गिरांडित था, लेकिन टीबी ने उसे चंद हफ्तों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया था। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियर जवान था, मगर ऐन जवानी में इस दीक के मर्ज ने उसे दबोच लिया था। अबू इस हकीकत से काफिल था। जब वह जेल के अस्पताल में आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वहदुल्ला शरीक की तुझे अपनी बीवी कभी ना बनाता। मैंने तेरे साथ जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। देख देख, मेरी एक ही निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना। और चन्नी बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहना कि अब्बू ने प्यार भेजा है। अब्बू मर गया, नीति का सब कुछ मर गया, इतनी जल्दी सब कुछ मर गया। नीति हौसले वाली औरत थी, उसने सदमा बर्दाश्त कर ही लिया। वो तमाम दिन घर पर तने तनहा पड़ी रहती। शाम को दीना आता, 5 रुपए उसके हवाले करता, उसे दम दिलासा देता और कहता, भाभी अल्लाह मियां के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी था। मुझसे जो हो सकेगा खुदा के हुक्म से जरूर करूंगा। जब नीति के इद्दत के दिन पूरे हो गए, तो एक दिन दीने ने साफ साफ लफ्जों में नीति से कहा कि वो उससे शादी कर ले। नीति के जी में आई कि वो दीने को धक्के मारकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उसी दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया। पहले वो बिला नागा शाम को 5 रुपए दे जाता था, अब वो कभी 4 रुपए देने लगा, कभी 3, कि बहुत मंदा है। फिर वो 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना ये कि बीमार था, इसलिए तांगा जोत न सका। तांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था, मरम्मत के चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया। जब पानी सिर से निकल गया, तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने अब तुम तकलीफ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी लेतोलाल के बाद बिलाखिर दीने ने बादिले नाक वास्ता तांगा घोड़ा नीति के तहवील में दे दिया। कई दिन तक सोचते रहने के बाद नीति ने तांगा घोड़ा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मांझे के सुपुर्द कर दिया। चंद दिनों के बाद मांझे ने भी शादी की दरख्वास्त रख दी। नीति ने इनकार किया तो मांझे की आंखें ही बदल गई। थकार कर नीति ने तांगा घोड़ा एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। एक शाम वो अनजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धुत था। उसने ड्योढ़ी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खरी खरी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया। नीति अब अजीब उलझन में गिरफ्तार रही। 8-10 रोज तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा हुआ था। घास दाने का खर्च एक तरफ तो तबेले का किराया दूसरी तरफ। कोचवान थे कि कोई शादी की दरख्वास्त करता तो कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था और कोई पैसे मार लेता था। नीति सोच सोच कर पागल हो गई। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों न तांगा मैं अपने आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। जब वो अब्बू के साथ घूमने के लिए निकला करती थी तो तांगा वो खुद चलाया करती थी। शहर के रास्तों से वो भी वाकिफ थी। उसने सोचा लोग क्या कहेंगे। फिर खुद उसने अपने सवाल का जवाब दिया, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? दफ्तरों में जाने वाली औरतें, कोयला चुनने वालियां, घरों में बैठकर भी तो हजारों औरतें काम करती हैं। हर्जी क्या है, फिर पेट तो किसी हिले तो पालना ही है। उसने कुछ दिन सोच विचार किया और आखिर में फैसला कर लिया कि तांगा वो खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतिमाद था। एक दिन अल्लाह का नाम लेकर वो तबेले पहुंच गई। उसने पीतल का साजो सामान चमकाया, घोड़े को नहलाया, धुलाया और खूब प्यार किया। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का हो गए। अभी सारे कोचवान हैरत ज्यादा ही थे कि अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती हुई तबेले से बाहर निकल गई। उसके हाथ रवा थे जैसे वह तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह उसी बात का चर्चा था। लोग सुनते थे और उस वक्त का इंतजार करते थे जब नीति और उसका तांगा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो सवारियां नीति की तांगे में बैठने झिझकी, मगर चंद ही दिनों में उनकी ये झिझक दूर हो गई। अब
अब एक मिनट के लिए भी नीति का तांगा खाली न रहता। इधर एक सवारी उतरती, उधर दूसरी सवारी बैठ जाती। कभी कभी तो सवारियां आपस में लड़ने झगड़ने भी लग जाती कि किस सवारी ने नीति को पहले बुलाया था। नीति को खूब आमदन हो रही थी। उसने महसूस किया कि तांगा दिन भर चलता रहता है, न उसको और न अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई वक्त मिलता है। उसने सोच समझ कर तांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर लिए। वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर को 2 बजे से शाम 6 बजे तक तांगा जोतने लगी। जब आराम भी मिलने लगा और आमदन तो थी ही। वो जानती थी कि बेशतर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तांगे में बैठते हैं। वे बेमतलब बेमकसद उसे तांगा इधर उधर घुमाने फिराने को कहते हैं। तांगे में बैठकर आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं, उसको सुनाने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। वो अक्सर महसूस करती थी कि वो खुद को तो बेचती नहीं, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। वो ये भी जानती थी कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इस तमाम एहसासात के बावजूद वो मुश्तरिफ नहीं थी। अपनी खुद एतिमादी बायस वो पुरसुकून थी। एक दिन शहर की कमेटी ने उसको बुलाया और कहा, तुम तांगा नहीं चला सकती। जनाब, मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? लाइसेंस के बगैर तुम तांगा नहीं चला सकती, और अगर तुमने लाइसेंस के बगैर तांगा चलाया तो तुम्हारा तांगा घोड़ा जब्त किया जाएगा और औरत को तांगा चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता। हुजूर, आप मेरा तांगा घोड़ा जब्त कर ले, लेकिन मुझे ये बताए कि औरतें तांगा क्यों नहीं चला सकती? औरत चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती है, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती है, औरतें कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती है, तो मैं तांगा चलाकर अपना पेट क्यों नहीं भर सकती? मुझे और कोई काम नहीं आता। तांगा घोड़ा मेरे खाविन का है तो मैं इसे क्यों नहीं चला सकती? हुजूर, आप मुझ पर रहम करें। आप मुझे मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? बताइए ना मुझे, बताइए। शहर की कमेटी ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठ जाओ, वहां कमाई ज्यादा है। नीति के अंदर जो नीति थी जलकर राख हो गई। उसने हौले से अच्छा जी कहा और चली गई। उसने औने पौने दामों में तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए वो खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थी, जैसे बारिश के बाद छिलछिलाती धूप ने सारी नमी चूस ली हो। फिर उसके भीचे हुए होठ वाह हुए और वो अब्बू से मुखातिब हुई। अब्बू, आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। दूसरे दिन उसने शहर की कमेटी को एक अर्जी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। Please subscribe and turn on notification.